किसान आंदोलन का आज नौवां दिन है। कई राज्यों के किसान यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तो उस आंदोलन को जारी रखने के समर्थन में भी यहां पर कई मेडिकल टीम यहां पर पहुंची है, जो दवाइयां यहां पर बांट रही हैं। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम यहां पर मास्क लोगों को बांट रहे हैं, ताकि आंदोलन तो चलता रहे, ताकि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक बना रहे। तो हमारे पास ये कुछ मास्क हैं, और हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मास्क लोगों को बांटेंगे, ताकि लोग आंदोलन भी करते रहें और स्वस्थ भी बने रहें। तो ये देखिए, आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? मास्क लगाइए, कोरोना भी चल रहा है। तो अब मास्क लगा के रहोगे? जी सर, हम भी रहेंगे, क्योंकि कोरोना काल है, और कोरोना काल में मास्क, कहीं जब तक वैक्सीन नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो मास्क आपकी मदद करता है। तो हम लोगों को यहाँ पर मास्क दे रहे हैं, ताकि जो आंदोलन है वो तो चलता रहे, और इसके अलावा जो किसान भाई हैं वो अपनी कोरोना से सुरक्षा भी कर सके। मास्क नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? तो आप एक मिनट बात करिएगा। तो हम देख रहे हैं आपने मास्क लगाया हुआ है, आप मानते हैं मास्क बहुत जरूरी है? मास्क तो बहुत जरूरी है जी, उससे पहले हमारे पंजाब के जो किसान है, जो हमारे देश के किसान है, उसकी खुशहाली जरूरी है। जो उनके साथ जो हालात हो रहे हैं अभी, उनके जो जान के बनी हुई है, उससे ज्यादा तो क्या हो सकता है जी। उससे ज्यादा तो हम चाहते हैं कि मोदी साहब पहले कोरोना तो बाद में, जो जो कानून उन्होंने पास किए हो जानलेवा जो किसान के लिए है, वो खत्म करने चाहिए, और किसानों के हक के लिए आगे आना चाहिए। अपने हक की लड़ाई भी हम लोग तभी लड़ पाएंगे जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, बात को मानते हैं। वीर जी से बात करते, वीर जी आप भी मास्क लगाएंगे जरा? जी हाँ, मैंने लगा रखा था मास्क, तो अभी जरा थोड़ा सा टूट गया है, तो मैंने और बांध रहा हूँ। हम एक मुहिम चला रहे हैं, हम मुहिम चला रहे हैं कि जो आंदोलन है वो तो चलता रहेगा, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहना भी बहुत जरूरी है। वो तो है, मास्क तो जरूरी है, लेकिन मोदी जी ने जो कर रखा है ना, ऐसे काले कानून लाए हैं, लेकिन उनका जो भी है असर जो है वो खेतीबाड़ी पे तो बहुत डलेगा, लेकिन कोरोना के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। खेतीबाड़ी के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बस काले कानून जो लाए हैं। हम अपने स्तर पर, हम अपने स्तर पर मास्क लगाकर तो अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। वो तो ठीक है सर जी, मास्क तो सभी लगा रहे हैं। कोई बोलता है गमछा, मोदी जी ने तो बोला था गमछा लगा लो, तो अभी मास्क जरूरी नहीं है, गमछा भी। कोरोना में मास्क किसी भी तरीके से जो अपने आपके ड्रॉपलेट्स अंदर से निकलते हैं उनको रोकना होता है, उसी से इन्फेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर इसीलिए मास्क बांट रहे हैं, ताकि जो किसान भाई हैं वे अपना आंदोलन तो जारी रखें, लेकिन इसके साथ साथ उनका स्वास्थ्य है वो भी ठीक बना रहे। आप मास्क लेंगे? नहीं, मास्क बंडल थामे साडा ख्याल है, सानू तोड़ दो, साडे कानून मन वापस ले लो, काले कानून साडे वापस लो, सानू तो भेज दो। क्यों इकट्ठ कर रहे हैं मोदी, ये तो जानबूझ के सानू हरासमेंट कर रहे हैं, ये नहीं हैगा। लेकिन कोरोना भी है, तो लोगों को थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, आप मानते हैं? क्या तो बरतना चाहिए, जो ये इकट्ठ कर रहे हैं, इनको कोरोना नहीं होता, हमको कोरोना होता है। कोई कोरोना की बात, कोरोना की आड़ में इसने 3 बिल पास किए है, जिम्मेदार बाहर ने निकाल ले। यहाँ पर जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर इस तरीके से लोगों का इलाज कर रही है, लोगों को दवाएं बांट रही है, और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर बकायदा एक कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर इस तरीके से जो किसान है उनको दवाएं यहाँ पर बांटी जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।